फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं किसी प्लांट के बारे में या गार्डनिंग के रिलेट कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। आज की वीडियो थोड़ी सी चेंज है। मेरी कई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती थी, तो उन्होंने उन आवाज़ों को समझ लिया, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे अपनी जो हैंड्स हैं वो भी दिखाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मेरी हैंड्स हैं यानी मेरी मुर्गियां जो हैं, आज मैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मुझे गार्डनिंग से पहले फ्रेंड्स मुझे मुर्गियों का भी शौक़ था, और तकरीबन बचपन से ही मुझे मुर्गियों रखने का बहुत शौक़ था। मेरे जो फादर हैं, उनकी जो दादी थी यानी मेरी जो बड़ी दादी थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स के वो जो शौक़ है वो ज़ाहिर है जनरेशन बाय जनरेशन वो आगे जो है वो मुंतकिल होता रहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसी वजह से शायद कि मेरी बड़ी दादी को बहुत ज़्यादा शौक़ था मुर्गियों का। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी टाइम से मैं मुर्गियाँ जो हूँ वो भी मैं रख रही हूँ, और थोड़ी बहुत मुझे मालूमात जो है वो मुर्गियों के मुतालिक भी है। फ्रेंड्स, ये जो आप मुर्गी देख रहे हैं इसकी जो नस्ल है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो असील नस्ल हम कहते हैं या असील जो मुर्गे होते हैं ये उस नस्ल से है, और ये जो है काफ़ी जो इनके जो बच्चे होते हैं वो लड़ाई वगैरह के लिए जो मुर्गे होते हैं ख़ास तौर पे, मुर्गियाँ तो नहीं लेकिन जो मुर्गे होते हैं वो ख़ास तौर पे लड़ाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग जो रखते हैं उनको। मैं फ्रेंड्स सिर्फ शौक़ के लिए रखती हूँ। मैंने आज से तकरीबन कुछ टाइम पहले, तकरीबन 6 माह पहले या साल पहले तक मेरे पास मुर्गे भी थे जो बड़े साइज़ के मुर्गे थे, और मुर्गियाँ भी ज़ाहिर है आप देख रहे हैं अभी भी मेरे पास हैं। कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स हट गए थे, मैं आपके साथ शेयर करूं, एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास तकरीबन 27 से 28 जो है वो सील मुर्गियाँ और मुर्गे थे। फिर फ्रेंड्स ऐसे हुआ कि कुछ उनके साथ प्रॉब्लम इस तरह की हुई, क्योंकि वो होते तो बहुत ज़्यादा सख्त जान हैं लेकिन कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह की डिज़ीज़ आई कि वो जो सारे मुर्गे थे वो तकरीबन 5 से 6 माह के अंदर वो तकरीबन सारे ख़त्म हो गए। और फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनमें से एक एक मुर्गे का जो साइज़ था वो तकरीबन 5 kg, 6 kg का एक एक मुर्गा था। तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम मैंने इनको छोड़ दिया, फिर जो है वो अब मैंने दोबारा से ली हैं मुर्गियाँ, और उनको मैं जो है अभी उनकी यहाँ पे देखभाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे मिलवाती हूँ, ये वाली जो है ये थोड़ी बदतमीज़ है, अभी इसने पानी गिरा दिया। अब नीचे जो जगह थी जहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये लकड़ी का बुरादा और मट्टी डाली हुई थी वो सारी इसने गीली कर दी, दाने भी डालूँ तो उसी वक्त जो है ये गिरा देती है। तो फिर फ्रेंड्स, मैं दूसरे जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ऊपर वाले खाने में है और ये अकेली है क्योंकि ये किसी के साथ शेयर नहीं करती, लड़ाई करती है। इसी के फ्रेंड्स नीचे वाले हिस्से में भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसमें जो ये दो आप देख रहे हैं ये फैंसी नस्ल के हैं, और इनके जो पंजे होते हैं या पाँव होते हैं उसके ऊपर पर होते हैं। अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये देखें फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसके पंजों के ऊपर पर हैं, ये देखें आप, ये देखिए फ्रेंड्स। और इन दोनों के साथ ये दोनों फ्रेंड्स जोड़ा हैं, ये मेल और फीमेल दोनों हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेल है और ये वाली फीमेल है। और फ्रेंड्स इनके साथ एक और है, ये भी असील है फ्रेंड्स, ये देखें, ये खासे बड़े साइज़ की है माशाल्लाह से। अब देखें ये जो ऊपर वाली है उससे भी थोड़ा सा साइज़ में ये बड़ी है। और नीचे फ्रेंड्स मैंने सारा, क्योंकि फ़र्श है तो नीचे मैंने बुरादर डाला हुआ है, मट्टी डाली हुई है, जब ये थोड़ा सा सफाई करनी हो तो थोड़ा आसानी हो जाती है। और फ्रेंड्स इनमें से जो ब्लैक वाली है ये अंडा भी दे रही है, ये देखिए मैं आपको अंडा दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इनके अलावा भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये चार मुर्गियां हैं, एक ये वाली है, ये थोड़ा सबके साथ शेयर करके नहीं रहती, लड़ाई करती है, तो इसको मैंने अलग जो है वो रखा हुआ है, और इसी के साथ वाली ये तीन है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों जो है वो देसी नस्ल की हैं, जिसे हम देसी नस्ल कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नस्ल की वैरायटीज़ होती हैं, मुर्गियों के अंदर देसी होती हैं, विलायती होती हैं, गोल्डन, मिस्री, और उसके अलावा फैंसी भी होते हैं, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए, और असील भी होते हैं फ्रेंड्स। इस टाइम पे मेरे पास असील का जो बड़ा मुर्गा है वो नहीं है, छोटी मुर्गियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा आज टॉपिक से हट के थी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।